नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज मैं एक अपील लेकर आई हूं अपने सभी दोस्तों से कि ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि हम लोग देख रहे हैं कि एक जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है, रोज इतने सारे केसेस मिल रहे हैं। हालांकि ये सारे केसेस ओमिक्रॉन के नहीं हैं, इसमें से बहुत सारे दूसरे जो वेरिएंट्स थे कोरोना के उसके भी हैं, लेकिन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये क्या है, इसको आपको जरूर समझना चाहिए। दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये जो है एक माइल्डर डिजीज है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी वेरिएंट को, किसी भी जो ये ओमिक्रॉन के जो नए कोरोना के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, इसको हमें हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किस बॉडी में ये कैसे अपना रूप दिखाएगा, क्या परिवर्तन करेगा, क्या म्यूटेशंस करेगा, इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है और ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा वायरस है। बात करें अगर ओमिक्रॉन के सिम्टम्स की, तो फीवर आ रहा है जो कि लगभग 3 से 4 दिन के बाद स्वतः ठीक हो जा रहा है। गले में खराश और सूखापन लग रहा है, फैटीग यानी थकान हो रही है और जबरदस्त बॉडी पेन यानी बदन में दर्द हो रहा है। इसके साथ ही साथ एक अनयूजुअल एक लक्षण है ओमिक्रॉन का, वो ये है भूख का गायब हो जाना यानी लॉस ऑफ एपेटाइट। इस तरीके के अगर सिम्टम्स दिखाई दें और अचानक से आपको भूख लगना बंद हो जाए तो आपको इसे गंभीरता से लेने चाहिए। एक और बहुत डिफरेंट सिम्टम है जो कि थोड़ा कम देखा जा रहा है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में, वो है लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। एज कंपेयर टू द अदर वेरिएंट्स, जो पिछले वेरिएंट्स थे जैसे डेल्टा वेरिएंट और अन्य जो वेरिएंट, उसमें नाक से स्मेल और मुंह से स्वाद चला जा रहा था, लेकिन कंपैरेटिवली ओमिक्रॉन वेरिएंट में ये सिम्टम ज्यादा नहीं देखा जा रहा है। हालांकि इस तरीके के सिम्टम्स आने पर आपको सचेत हो जाना चाहिए, आपको अपने को आइसोलेट करना चाहिए, अपने सिम्टम्स पे नजर बनाए रखनी चाहिए, अपना बॉडी के ऑक्सीजन लेवल और ऑक्सीजन सेचुरेशन को मॉनिटर करना चाहिए और डॉक्टरी परामर्श जरूर लेना चाहिए। जिनको लगे कि उनकी प्रॉब्लम नहीं सुधर रही है या उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, 3-4 दिन के अंदर ही उन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना चाहिए। दोस्तों, इसके जो टेस्टिंग है वो RT-PCR है और जीनोम सीक्वेंसिंग है, इसके द्वारा कंफर्म किया जा सकता है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं। बाकी जो कोरोना प्रोटोकॉल है यानी कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, गैदरिंग यानी भीड़ भाड़ से बचना और अपने ट्रैवल प्लान्स को थोड़ा सा पोस्टपोन करिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज से, हमारे राष्ट्र से एक बार फिर ये जो कोरोना वेरिएंट आया है ये चला जाए, तो हम सबको एकजुट होना होगा, हम सबको समझना होगा कि यूनिटी यानी कि एकता में ही ताकत है। धन्यवाद।